नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, आपको पता होगा कि एक्सरसाइज हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो लोग एक्सरसाइज कम कर देते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे रोल ऑफ एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, खासकर सर्दियों में, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है लोग सर्दियों में घरों से कम बाहर निकलते हैं, सर्दी होने की वजह से रजाई में छुपे रहते हैं और एक्सरसाइज ना करने की वजह से बहुत सारी परेशानियां उनको उठानी पड़ती हैं। तो आज आपको बताया जाएगा किस तरह से एक्सरसाइज करना है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या डाइट चार्ट होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है, और जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर्स के हैं, हार्ट के हैं, उनको एक्सरसाइज किस तरह से करनी है। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गौतम सिंह जी हैं। डॉक्टर गौतम, आपको बता दें, IMA ईस्ट दिल्ली ब्रांच के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, ये देखा जाए दिल्ली में तापमान लगातार गिरता जा रहा है, सर्दी पे हम लोगों ने प्रोग्राम तो कर लिया, आज हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं। लोग अधिकतर ये देखा जाता है लोग आलस करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए एक्सरसाइज का रोल हमारी ज़िंदगी में क्या है। सूर्य, देखिए, एक्सरसाइज जो है वो हमारे ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये तो विधि का विधान है, ये तो कुदरत का नियम है कि जिस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे वो चीज़ और ज़्यादा निखरेगी, और ज़्यादा सुंदर होगी, और ज़्यादा जो है वो अच्छी बनेगी, और जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे वो चीज़ धीरे धीरे ढल जाएगी। जैसे कि जो है हम सोने को जितना पकाते हैं उतना सोना जो है वो अच्छा निकलता है, इसी तरह से अगर हम अपनी बॉडी को जितना एक्सरसाइज देते हैं उतना हमारी बॉडी जो है वो फिजिकली फिट होती है। ये ऐसा नहीं है कि इसको हम सिर्फ जो है वो धार्मिक किताबों में और पुराणों में पढ़ लेते हैं, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। तो ये चीज़ ऐसी है जो साइंस और रिलीजन हर इसको जो है साथ में लेके चलते हैं। जो साइंस है वो ये कहती है कि 64% ऑफ डिजीजेज जो हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम जो है एक अच्छी हेल्दी एक्सरसाइज जो है वो डेली रूटीन में करें। मैं आपको ये बताऊं कि एक जो है वो सर्वे हुआ था, और उस सर्वे के अंदर ये देखा गया कि अगर जो है वो एक्सरसाइजेस करते हैं, 100 लोग जो है वो एक्सरसाइज करते हैं एक साल तक, तो 36% ऑफ हार्ट अटैक जो है वो प्रिवेंट हो गए थे सिर्फ एक्सरसाइज करने की वजह से उन लोगों के अंदर। तो 36% जो हार्ट अटैक को कम किया जा सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी साइंस की हर किताब ये कहती है कि ब्लड प्रेशर, शुगर और ओवरवेट, इन सब बीमारियों का जो पहला इलाज है वो ये एक्सरसाइज। आपको कम से कम 6 से 11 महीने तक एक्सरसाइज पहले ट्राई करनी चाहिए और कंट्रोल करके कोशिश करना चाहिए कि एक्सरसाइज से आपका जो है वेट और शुगर कंट्रोल हो जाए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक गलत तरीके भी लेते हैं कि अगर शुगर डायग्नोज हो गई तो सुनिए, लोग कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी डाइट कंट्रोल करके शुगर को कंट्रोल कर लें, मगर डाइट से उतनी शुगर कंट्रोल नहीं होगी जितनी एक्सरसाइज से शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप एक रेगुलर रूटीन विगरस एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो आपकी शुगर सडनली जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। और स्पेशली जैसे ये सर्दी का सीजन है, ऐसे समय में ये चीज़ें निकल के आती हैं कि आपकी शुगर भी अचानक से आ गई और आप एक्सरसाइज करने, तो ये साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आ सकती हैं, तो इस पर केयरफुल रहने की भी बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल, और सर हम लोग इस पर आएंगे कि जो हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी आपने इसका जिक्र किया एक्सरसाइज को लेकर, सर जब भी कोई एक्सरसाइज करने जाता है तो उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं। अगर बात की जाए, पहले वार्म अप करना होता है, फिर क्या कहते हैं कि बीच में थोड़ा फास्ट हों आप 15 या 20 मिनट्स के लिए, फिर लास्ट में थोड़ा आपको फिर से लाइट करना पड़ता है, इस प्रोसेस से करना पड़ता है। सर, कहते हैं कि एक्सरसाइज हम लोगों को खुशियाँ देती है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, बहुत सारी स्ट्रेस से बचाती है, मेंटल इलनेस से बचाती है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज के, व्यायाम के? देखिए सुनील, व्यायाम जो है वो किसी भी प्रकार में किया जाए, चाहे उसको हम जो है वो एक्सरसाइज एज अ वॉक कह लें, या हम उसको एक्सरसाइज एज योगा कह लें जिसके अंदर सूर्य नमस्कार और अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेज होती हैं, या हम उसको जो है वो एक एक्सरसाइज एज दी जो वेस्टर्नाइज एक्सरसाइज होती है उस प्रकार से कह लें, या हम उसको जो है एज दी जिम कह लें, जिमनास्टिक्स कह लें, या जिम के तौर पर बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग के हिसाब से कह लें, तो ये सारी जो एक्सरसाइजेज होती हैं इन सब का जो है हमें कुछ ना कुछ जो है वो प्रोसीजरल लेके चलना चाहिए,
जो हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज है वो स्टेज ऑफ वार्म अप होती है। तो जब हम वार्म अप करते हैं किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए, तो उसके अंदर ज़रूरी है कि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं अलग अलग जिनको हम मूव कर सकते हैं, उनको हम पहले थोड़ा सा जो है वो रोटेशनल मूवमेंट करके और हल्का वार्म अप करके हम उनको जो है थोड़ा सा ब्लड सप्लाई अपनी मांसपेशियों के लिए बढ़ा लें, जिसके अंदर जो है हम अपने जो है वो हाथ के रिस्ट का जो है वो कर सकते हैं, अपने कंधे की एक्सरसाइज कर सकते हैं रोटेट करके, इसी तरह से अपने जो है हम पैर की एक्सरसाइज कर सकते हैं दोनों पैर की थोड़ा सा जो है वार्म अप करके, फिर ऑन द स्पॉट जैसे जॉगिंग हो गई या तेज तेज वॉकिंग हो गई, हम जो है थोड़ा सा ये करके अपनी बॉडी के अंदर ब्लड का सप्लाई बढ़ा सकते हैं। सुनील, मगर मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे जो धार्मिक किताबें हैं उसके अंदर भी दिया गया और साइंटिफिकली भी इस चीज़ को प्रूफ किया गया है कि एक्सरसाइज इज डेंजरस। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक्सरसाइज इज डेंजरस, एक्सरसाइज खतरनाक है अगर आपका पेट भरा हुआ है, अगर आपने खाना खाया हुआ है उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये खतरनाक है आपके लिए। मगर एक्सरसाइज इज अ बूम, आपके लिए बहुत फायदा दे रहा है, आपकी बॉडी की एक एक चीज को ये अच्छा कर रहा है अगर आपका पेट खाली है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, ध्यान दें कि भर पेट के ऊपर जो है वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि हमारे मरीजों के अंदर हम कई बार देखते हैं, पता करते हैं क्या हुआ था, तो कहते हैं जी खाना खाने के बाद जो है वो टहलने चले गए थे तो थोड़ा सा हम एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, हमारे पेट पे खाने का पचन बिल्कुल नहीं होगा अगर हमने थोड़ी भी एक्सरसाइज करी, क्योंकि बॉडी जो है वो ब्लड की सप्लाई पेट की तरफ से टोटली काट देगी और बॉडी ब्लड सप्लाई मांसपेशियों में देने लग जाएगी, और जब मांसपेशियों में ब्लड सप्लाई आ जाएगी तो डाइजेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा हमारा। तो वो खाना जो है वो पेट में रखा रहेगा 9-10 घंटे, वो हमारे लिए बहुत नुकसान दे जाता है। तो इसलिए जो है जब भी आप एक्सरसाइज करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि खाली पेट है। उसके बाद आप जो है वो वार्म अप करें, वार्म अप करने के बाद आप धीरे 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 अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ाइए। आप इंटेंसिटी बढ़ाने का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है जैसे आज मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं पहले मान लीजिए कि एक मिनट के अंदर जो है मैंने 100 बार जो है जॉगिंग करी तो मैं इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ, एक मिनट के अंदर मैं 120 बार जॉगिंग कर सकता हूँ, या एक मिनट के अंदर मैं 2 किलोमीटर, या मैं 10 मिनट के अंदर जो है 1 किलोमीटर चल सकता हूँ, या मैं 10 मिनट में 2 किलोमीटर चल सकता हूँ। अपना धीरे धीरे इंटेंसिटी इस हिसाब से मैं बढ़ा सकता हूँ। दूसरी चीज़ आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है अपने पिछली एक्सरसाइज के पैटर्न से, जैसे कि अगर पिछले हफ्ते मैंने 40 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर चला था तो इस हफ्ते मैं जो है 40 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर चलने की कोशिश करूँगा, इस हिसाब से मैं अपनी इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ। तो अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए, तो सेकेंड फेज ऑफ एक्सरसाइज हो गई। और थर्ड फेज ऑफ एक्सरसाइज और बहुत जरूरी फेज ऑफ एक्सरसाइज है वार्म डाउन। वार्म डाउन करना यानी कि अपने बॉडी को धीरे धीरे ठंडा करना भी बहुत जरूरी है। उसमें हमें क्या करना चाहिए कि उसमें हम अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को स्लो करें, धीरे 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 एक्सरसाइज करें, और फिर हम अपने जो है सारे जॉइंट्स का मूवमेंट करें, और उस दौरान हमें स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग का मतलब ये होता है जैसे कि हम अपने हाथ की मसल को जो ऐसे स्ट्रेच करेंगे, इसी तरह से घुटने को जो है वो आगे छाती की तरफ लाके हम जो है वो घुटने की और अपने बैक की मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, पीछे जाके आगे झुक के जमीन को टच करके हम अपनी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, गर्दन की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो ये सारी हम स्ट्रेचिंग करके अपने आप को जब हम वार्म डाउन करते हैं तो फिर हमारी मांसपेशियां दर्द नहीं करती। तो ये हो गए आपके स्टेप्स ऑफ एक्सरसाइज, इस हिसाब से अगर हम लेके चलेंगे तो हमारी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा बेनिफिट देगी हमें। बहुत अच्छी बात सर ने बताई, और अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होगी क्योंकि लोगों के मन में सर ये धारणा होती है कि खाना खाने के बाद अगर टहलने जाओ एक्सरसाइज करो तो उनका खाना डाइजेस्ट हो जाता है और आराम रहता है। तो इस बात को अंडरलाइन कर लें, कभी भी खाना खाने के बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करती, ये बेनिफिशियल नहीं आपकी बॉडी के लिए, ये हार्मफुल है। तो प्लीज़ इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, अगर आप लोग करते हैं तो आज से अभी से बंद कर दीजिए। सर ये बात एक्सरसाइज की आपने बता दी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत से लोग हमारी दिल्ली NCR में डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, दिल्ली को तो वैसे भी डायबिटीज़ की कैपिटल कहा जाता है, हार्ट पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत से लोग BP के भी पेशेंट्स हैं, तो उनको लेकर क्या आप एहतियात बरतने की बात करते हैं, वो एक्सरसाइज करें तो किस प्रकार से करें, क्योंकि उनका जो एक्सरसाइज करने का तरीका होगा वो नॉर्मल से अलग होगा। सुनील देखिए, पहले तो सर्दी का मौसम होता है, सुबह सुबह जो है रजाई से बाहर निकलने में हर आदमी डरता है, जब आप रजाई से बाहर निकलते हो तो एकदम से जो है वो ठंडी लगती है,
जमीन फर्श ठंडी होती है, आप जो है वो जब तक आप चप्पल पहनते हैं कुछ करते हैं आपकी बॉडी पे एकदम से टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा होता है, और कई बार यही टेम्परेचर चेंज जो है हमारे जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान दे जाता है। अक्सर जो है ये देखा गया है कि सर्दियों के सीज़न में जो है सबसे ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो आती हैं, हार्ट अटैक्स आते हैं पेशेंट्स के अंदर, शुगर जो है पेशेंट्स की बहुत बढ़ जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, ब्लड प्रेशर पेशेंट का बढ़ जाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे सर्दी का मौसम होता है उसमें हमारी मांसपेशियाँ जो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, एक्सरसाइज कम हो जाती है, खाना बढ़ जाता है, गाजर का हलवा, सारी मीठी चीज़ें जो है सर्दियों के सीज़न में ही खाई जाती हैं और उससे जो हमारी शुगर बढ़ जाती है, ये सारी मिलके हार्ट अटैक को जो है वो ज़्यादा देती हैं। और ये देखा गया है कि पूरे साल भर में इतने हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उतने जो है दिसंबर जनवरी के महीने में जो है वो आ जाते हैं अक्सर हार्ट अटैक के पेशेंट। तो ये समय ऐसा है जो जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से केयरफुल रहना चाहिए। तो एक तो मैंने बताया से सुबह आप जब बिस्तर से बाहर निकलते हैं उसके बाद ठंडे पानी से लोग नहाने को एक बहुत ही ब्रेवरी समझते हैं, लोग सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा ये आदमी वाला काम कर रहा हूँ जो मैं ठंडे पानी से नहा रहा हूँ, तो ये भी जो है वो बहुत नुकसान देता है हमारे को। ठंडे पानी से नहाने से हमारे को हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद जो है रात में अगर हम जो है वो भरपेट खाना खा के सोते हैं और रात में हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा लेते हैं, जैसे शादी का सीज़न है, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंटिन्यूसली 2-3 दिन बाहर का खाना हो जाता है और हम चिकनाई का खाना ज़्यादा खाते हैं और रात में जब सोते हैं तो अधिकतर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बदहजमी हो रही है हमें, कि हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी देखा गया कि अधिकतर हार्ट अटैक ज़्यादा होता है सर्दी के मौसम के अंदर। तो इन सब चीज़ों से हमारे को केयरफुल रहना चाहिए और इन सब चीज़ों से हमारे को बचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम जो है वो अपनी डायबिटिक के पेशेंट हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि अपना थोड़ा सा जो है शेड्यूल आप चेंज करें हार्ट के पेशेंट और डायबिटिक के पेशेंट को। जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है उसमें आपको जो है वो अवॉइड करना चाहिए एक्सरसाइज। अर्ली मॉर्निंग का टाइम मतलब ये 6 बजे 5 बजे इस टाइम पे आप अवॉइड करें। तो आप एक्सरसाइज कब करें, आप एक्सरसाइज करें ज़्यादातर आप कोशिश करें कि 11-12 बजे 1-2 बजे के करीब जो है आप अपना लंच से पहले जो है वो एक्सरसाइज कर ले, जिससे कि खाली पेट आप एक्सरसाइज करें और उसके बाद अपनी स्ट्रेचिंग्स वगैरह करके आधा 1 घंटा रेस्ट लेके फिर आप जो है वो कुछ खाना खाएं। तो ये समय जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग आप जो है वो ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, जो कि रात को खाना खाने के बाद हल्का सा टहल लेते हैं, स्लो में टहल लेते हैं, तो उनको भी जो अपना टहलने का जो टाइम है अगर वो अपना दिन में करें तो ज़्यादा बेटर है। रात का मील जो है आप अपना आधा कर लीजिए, जैसे अगर आप जो है वो दिन में 2 रोटी खाते हैं रात में 2 रोटी खाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने दिन में 2 रोटी खा ली, रात में आपने जो है वो 1 रोटी शाम को जल्दी खा ली और 1 रोटी आपने रात के लिए रख दी, जिससे रात का आपका मील जो है वो कट शॉर्ट हो जाए। जितना वो रात का मील आपका कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उतना आप कंफर्टेबली सो सकेंगे, आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप दिन भर एक्टिव ज़्यादा रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी मेडिसिन जो है वो बड़े टाइम से लेना चाहिए। विंटर सीजन में आपका डाइटरी हैबिट, आपका एक्सरसाइज का हैबिट सब चेंज हो जाएगा, इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कई बार ऐसा हो सकता है कि दोपहर की दवाई डॉक्टर रात में देना चाहेगा या रात की दवाई जो है आपको दोपहर में देना चाहेगा, तो कुछ वेरिएशन आपकी मेडिसिन में करके हम जो है वो आपको एक अच्छा हेल्दी विंटर सीज़न दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से सर्दी का सीज़न जो है बड़ा एंजॉय करने का होता है, बड़े सारे फेस्टिवल जो है आते हैं, क्रिसमस आता है, न्यू ईयर अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो ये टाइम तो जो है हमें बहुत एंजॉय करना चाहिए। शादी का सीज़न हर जगह होता है, विंटर हॉलीडेज़ होती हैं बच्चों की, बच्चे जो है वो छुट्टियाँ इंजॉय करते हैं और उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाने में जो है वो बहुत मज़ा आता है घर के अंदर, तो इसको हमें इंजॉय करना चाहिए मगर साथ साथ थोड़ा सा केयरफुल भी रहना चाहिए। मतलब कितना भी इंजॉय करो हम लोग केयरफुल रहना बेहद ज़रूरी है। तो दर्शकों, सर कह रहे हैं कि विंटर का सीज़न खाने के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इस मौसम में बहुत सारी सब्जियां होती हैं, वेदर बहुत अच्छा होता है, इंजॉय किया जाता है, लेकिन थोड़ी सावधानियां हम लोगों को बरतना बेहद ज़रूरी है, खासकर उन लोगों को जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बीपी के हैं और हार्ट के हैं। सर ये बात तो हम लोगों ने अच्छे से कर ली। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोग एक्सरसाइज़ के लिए कहते हैं कि सुबह जाओ तो उनको सर्दी लगती है, बहुत से अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं जिनको कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग नहीं जाना चाहिए, आपकी नज़रों में आप क्या बताना चाहते हैं कि अगर लोग कोई भी एक्सरसाइज करने जाता है तो एक ठीक समय, अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है? देखिए सुनील, जो हमारे जो है यंगर जनरेशन है, जो हमारे बिल्कुल प्राइम ऑफ द यूथ में बच्चे हैं, 16 साल
से लेके और 22-23 साल तक, स्पेशली जो लोग जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो लोग जो है वो ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर जो है पार्ट लेना चाहते हैं जिसके लिए उनको इंटरनेशनली भी जाना पड़ सकता है या दूसरे देशों में भी जाके जो है कंपटीशन करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए सुनील जो ये विंटर का टाइम होता है ये बहुत बढ़िया होता है अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करने का, क्योंकि उनको जो है वो थोड़ा पीसफुल बाहर एटमोसफेयर भी मिल जाता है और उनको जो है वो कई चैलेंजेस जो विंटर के चैलेंजेस होते हैं, जो हम कई बार ऐसा होता है जो बच्चे हमारे जो है वो कम्पीट करने जो है रशिया में जाते हैं या वो कम्पीट करने कोई सर्दी ठंड की जगह में जाते हैं, तो वो कहते हैं हमने तो ऐसा एटमॉस्फेयर ही पहले नहीं देखा, तो हम जो है ऐसे एटमॉस्फेयर से अकस्टम नहीं है, तो उनके लिए जो है एक ये फिजिकल चैलेंज के तौर पे होता है और वो लोग बखूबी इसको जो है वो वेलकम कर सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग की एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। मगर जो लोग हमारे कोई तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि जो है वो उनको हार्ट अटैक की या उनको हार्ट की कोई भी समस्या है, ब्लड प्रेशर की या शुगर की कोई भी समस्या है, एक तो ऐसे लोग, दूसरे हमारे ऐसे लोग जो फिजिकली अनफिट होते हैं। अब होता क्या है कि दिसंबर का जो है न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन हर आदमी कहता है, और हर आदमी कहता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन में पहले कहता है मैं अपने आप को फिजिकली फिट करूँ, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ, और जाके जो है आप जिम के अंदर सुबह 6 बजे आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हो कम कपड़े पहन के, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होने की संभावना पूरी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी फर्स्ट आपकी फिजिकल एंड्योरेंस कितनी है। अगर आपको डायबिटीज़ या हार्ट की प्रॉब्लम है मगर आप जो है साल भर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, तो संभवता ये है कि आपको जो है वो अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। उसमें आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेके चलो, आप अपने आप गले को, कान को, छाती को गर्म करके चलो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोग ग्लव्स पहन के जो है वॉक पर निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उनको। मगर जो लोग ऐसे हैं जो अब बिगनर्स हैं, उन्होंने जो शुरुआत करनी है अपनी फिजिकल जो है वो हेल्थ को केयरफुल रखने के लिए, तो उनको जो है वो एक्सट्रीम विंटर बहुत ज़्यादा से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सट्रीम विंटर है ये आपको जो है वो कभी भी नुकसान दे सकती है, कभी भी आपको जो है वो सडन तकलीफ में ला सकती है, और आप बिल्कुल जो है वो अनगार्डेड आपको जो है वो पकड़ लेगी, अचानक से बीमारी आपको पकड़ लेगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है वो ऐसी जगहों में ऐसी अपने आप को ऐसी स्थिति में डालें ही ना जिस स्थिति में आपको जो है इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज फॉर बिगनर्स इज एब्सोल्युटली नो इन विंटर सीजन। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है ज़्यादातर एक्सरसाइज जो है वो दोपहर के टाइम में करनी चाहिए। आपको जो है जब थोड़ा सा दिन निकल आता है, दिल्ली में तो जो है वो सर्दियों में भी जो है थोड़ा बहुत सूरज के दर्शन हो जाते हैं, तो जब दिन निकल आता है, धूप निकल आती है, हल्का सा भी जो है सूरज आ जाता है, मौसम के अंदर वो जो एकदम से ठंडापन है वो कम हो जाता है, उस समय में आप एक्सरसाइज करें तो ये आपके लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप अपनी एक्सरसाइजेज उस टाइम पर स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेशली जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें जो है हमारे एटमॉस्फेयर में स्मॉग भी बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइम पे पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सर्दी के टाइम के अंदर जो है जो जितने भी वो पोल्यूशन वाली चीज़ें हैं वो नीचे नीचे ही जो है ओस के साथ, और स्पेशली आजकल जो थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है इस टाइम में जो है वो सब नीचे धरती के पास रह जाती है, तो एस्थमेटिक पेशेंट जो होते हैं सांस की जिनको दिक्कत होती है उनको ये अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में 7 बजे तक जो है सांस की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो सांस के पेशेंट है, जो अस्थमा के भी पेशेंट है, उनको ये अर्ली मॉर्निंग का समय अवॉइड करना चाहिए। और सुनिए मुझे एक और चीज़ याद आई कि जो हमारे ब्रीदिंग डिफिकल्टी के पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स में जो है कई बार ये देखा गया कि विंटर वेयर जो कपड़े निकलते हैं अंदर अलमारियों में से, उनमें हल्के मोल्ड लग गए हैं, फंगस लग गए हैं, या उनके अंदर हल्के डस्ट पार्टिकल्स हैं, या टर्माइट डस्ट उसके अंदर है, या आपने जिस जगह पे रखे थे बड़े टाइम से वहाँ पे रखे होते हैं उसमें हल्की फंगस ही लग गई है, और उसको जब वो लोग पहनते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी या सांस की दिक्कत जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उनको जो है इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, या गर्म कपड़े हैं अपने तो उनको अच्छे से क्लीन करके, उनको ड्राई करके और फिर उनको यूज़ करें। कई बार लोग आलस करते हैं, डरते हैं, या आपके जैसे हल्का कपड़ा आपका गीला हो गया है, गीला रह गया, जैसे जुराब है आपने पहन दी और वो आपकी गर्म हो गई, फिर आप उसको निकालना नहीं चाह रहे हो, पसीना ज़्यादा आ रहा है, आप उसके बाद उसको चेंज नहीं करते, तो फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ जाते हैं।
तो बॉडी जो है वो गर्म रखते हैं, अंडर गारमेंट्स टाइट पहनते हैं, एक के ऊपर एक लेयर पहनते हैं कपड़े की, तो ये देखा गया कि प्राइवेट एरियाज़ के अंदर जो है फंगल इन्फेक्शन, रैशेज, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं इसलिए इनको खुल के डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स हैं और इन सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हैं। आप उसके लिए एक कंसल्ट करके अपने डॉक्टर से, वो आपको एक ट्यूब लिख देगा या दवाई लिख देगा और आपको ये जो इतनी खारिश और इतनी तकलीफ हो रही है इससे आप बच सकते हैं। तो ये भी आप जो है इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं विंटर्स में। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई कि जब भी किसी गर्म कपड़े का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको वॉश प्रॉपरली करें, और धूप दिखाना बेहद ज़रूरी होता है। अगर अपने ब्लैंकेट्स को और रजाइयों को धूप दिखाते रहें बीच बीच में, तो बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। और आपने बताया कि जिस तरह से जो लोग अस्थमेटिक पेशेंट हैं, सांस के मरीज़ हैं, उन लोगों को अर्ली मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना चाहिए और उनको एक्सरसाइज सुबह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुबह के टाइम पर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं प्लांट्स की, गटेशन, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं उन लोगों के लिए। दर्शकों, इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि जो लोग आपके घर में इस तरह के हैं तो उनको अर्ली मॉर्निंग ना भेजें, जब धूप निकल आए तभी उनको पार्क में भेजना चाहिए वॉक करने के लिए। सर, ये बात तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली, एक्सरसाइज के बेनिफिट्स बताइए। सुनिए, देखिए, एक्सरसाइज के बेनिफिट, सबसे पहले एक्सरसाइज का बेनिफिट ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को जो है ये बिल्कुल अच्छे से रखता है। इससे हमारा हार्ट, किडनी, लिवर, ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से फंक्शन करती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे मूड का अपलिफ्टमेंट, हमारे आउटलुक ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारा मूड अपलिफ्टमेंट है, ये एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा होता है। एक्सरसाइज जो है उससे एक अच्छे हार्मोन जो है वो बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं और हमारे को जो एक फील गुड फैक्टर जो है वो आता है, हमारा मूड अपलिफ्ट होता है और इससे जो है हमें हर दिनचर्या की सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे लगने लगती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, इन सबको एक्सरसाइज एक तरह से जो है वो ख़त्म ही कर देता है। तो अगर हम जो एक रूटीन रेगुलर एक्सरसाइज में रखेंगे तो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हमारी बॉडी जो है एक हेल्दी कंडीशन में रहेगी। जब डॉक्टर जो है वो हेल्थ के बारे में पता कर रहे थे या पता करते हैं तो हेल्थ को हम सिर्फ नो फिजिकल डिफॉर्मिटी या नो फिजिकल इलनेस नहीं कहते हैं, हेल्थ को हम कहते हैं स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। इसका मतलब ये है कि आप, आपकी बॉडी भी जो है वो एक अच्छी कंडीशन में है, फ्री ऑफ डिजीजेज है, आप मेंटली भी जो है वो बहुत खुश हैं, आपको जो है कोई तकलीफ नहीं है अपने आसपास किसी चीज़ से, और आप जो है वो आध्यात्मिकता के अंदर भी जो है आप अपनी खुशी को जो है वो पाते हैं। तो एक्सरसाइज जो है आपको एक मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअल वेलबींग की तरफ जो है वो लेके जाती है, तो इन ओवरऑल हेल्थ जो है उसको प्रमोट करती है एक्सरसाइज। तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है कि हम जो है वो हेल्दी रहें। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वी विल बी हेल्दी, दैट मीन्स वी विल बी मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी। कितना देखो हमारे लिए अच्छा एक्सरसाइज करना, लोग उससे बचते हैं, तो हर किसी को व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिससे आप लोग मेंटली, सर ने कहा, हेल्दी रह सकते हैं, फिजिकली हम लोग हेल्दी रह सकते हैं और स्पिरिचुअली हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। बहुत अच्छी टॉनिक है हम लोगों के लिए एक्सरसाइज। सर, एक्सरसाइज के बाद डाइट चार्ट अपना किस तरह का होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, एक्सरसाइज से मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज में और विंटर्स में स्पेशली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये चीज़ देखा कि हमें कभी भी एक्सरसाइज जो है वो भरपेट नहीं करनी चाहिए, हमेशा एक्सरसाइज जो है खाली पेट होनी चाहिए। एक्सरसाइज एम्प्टी स्टमक इज़ बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, एक्सरसाइज विद फुल स्टमक इज़ डेंजरस फॉर द बॉडी। इसलिए फुल स्टमक कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। मगर एक्सरसाइज करने के बाद जो है या एक्सरसाइज से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज के बाद कंज्यूम कर सकते हैं। तो हम जो है सिप्स ऑफ वाटर जो है पहले भी ले सकते हैं, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज भी ले सकते हैं और एक्सरसाइज के बाद भी ले सकते हैं। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो सेफ है, जिसको हम कंटिन्यूसली ले सकते हैं। कुछ लोग जो अपनी फिजिकल बॉडी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं वो अधिकतर पसंद करते हैं कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज जो है हल्का प्रोटीन का पाउडर जो है वो दूध में डाल के या पानी में डाल के प्रोटीन्स का जो है वो इनटेक करते रहें, तो वो ले सकते हैं। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जितना नेचुरल फॉर्म में प्रोटीन्स लेंगे
उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। जितना आप केमिकल प्रोटीन्स को लेंगे उतना उसका इफेक्ट कम होता है। अब इसको अगर आप एक्सप्ले आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो जब हम कोई केमिकल स्ट्रक्चर को हम जो है वो देखते हैं, तो हम केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो है एक आम या दो आम नेसेंट डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो केमिकली जो केमिकल स्ट्रक्चर हम देते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें एक या दो आम नेसेंट हो सकती है। मतलब जैसे आप प्रोटीन लेते हैं, अच्छा वाला जो प्रोटीन है उसमें दो नेसेंट आम होंगी या दो आम से वो प्रोटीन आपको दे सकता है। मगर जो कुदरती प्रोटीन है उसके अंदर आप ये समझो कि जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो है वो कम से कम लाखों नेसेंट आम होती हैं, तो वो कितना प्रोटीन आपको जो है सप्लाई कर सकता है, कितना ज़्यादा सप्लाई दे सकता है आपको। जो बेनिफिट आपको जो है वो एक कटोरी दाल से मिलेगा या आपको एक पोर्शन ऑफ प्रोटीन नेचुरल सोर्स से मिलेगा आपको, कम से कम नहीं तो आपको जो है कम से कम नहीं तो समझिए कि आधा डब्बा आपको जो है वो प्रोटीन पाउडर का खाना पड़ेगा या 250-300 ग्राम प्रोटीन पाउडर का खाना पड़ेगा उतना बेनिफिट देने के लिए। और आपकी बॉडी नेचुरल प्रोटीन्स को ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट कर सकती है बनस्पत इसके कि आपकी बॉडी केमिकल प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करे। कई बार ये देखा गया कि इससे जो है वो किडनी की बीमारी भी हो जाती है लोगों को अंदर। तो जो हमारे यंग लड़के हैं, क्योंकि ये सुनील मैं इसलिए इसको इतना समय दे रहा हूँ क्योंकि जो यंग लड़के हैं ये आजकल जो है वो एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर और वो बीमारियाँ लेके एडमिट हो रहे हैं क्योंकि ये लोग जो है वो प्रोटीन्स को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यंग लड़के जो हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकली अपने आप को जो है वो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, सलमान खान जैसी अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो वो लोग जो है डेफिनेटली जो है वो थोड़ा बहुत प्रोटीन्स का यूज़ कर सकते हैं, बट नेचुरल प्रोटीन्स आर मच बेटर। उसके बाद आपको और क्या करना चाहिए, आप एक्सरसाइज के बाद आधा घंटा करीब आप जो है वो वेट करना चाहिए अपने आप को एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, कुछ ना लेके। और जब आप अपना खाना शुरू करें या कोई भी चीज़ आप कंज्यूम करना शुरू करें तो सबसे पहले इट शुड बी वार्म लिक्विड। इसका मतलब ये है कि हल्का गर्म या गुनगुना लिक्विड होना चाहिए जिसके अंदर आप जो है वो सूप ले सकते हैं, आप जो है वो दाल का पानी ले सकते हैं, आप हल्का सा गर्म दूध पी सकते हैं, आप जो चाहें तो आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, बट कभी भी सॉलिड फूड से स्टार्ट ना करें आफ्टर एक्सरसाइज। ये देखा गया कि लोगों को भूख ज़्यादा लगती है और आते के साथ जो है वो कहते हैं खाने पे टूट पड़े और जो है वो जो है छोले भटूरे और आपने ये सब खाना शुरू किया तो आपका डेफिनेटली जो है वो एक्सरसाइज का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो प्लीज़ आप जो है वो अपने खाने में ये देखें कि आप जो है वो अपने बॉडी को सबसे पहले कुछ वार्म लिक्विड दें। अगर आप जो है वो वेट लॉस की ट्राई नहीं कर रहे हैं और आप बॉडी बिल्डिंग की ट्राई नहीं कर रहे हैं तो आप अपने वार्म लिक्विड में आप अपने आप को ईजी कार्बोहाइड्रेट या आप जो है नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, जिसके अंदर वेजिटेबल सूप एक बहुत अच्छा तरीका है जो हमारी बॉडी को एक अच्छी नरिशमेंट देता है। आपने जो है वो आजकल तो प्याज बहुत महंगा हो गया तो टमाटर डाल दीजिए थोड़ा सा और थोड़े से सब्जी डाल के आप उबाल लीजिए, भले उसके अंदर थोड़ा सा मसाला डाल के एक गर्म सूप सा बना लीजिए अच्छे से उसको कुकर की सीटी दे के, और वो एक बहुत ही स्वादिष्ट आपके लिए जो है स्टार्टिंग डिश हो जाएगा खाने के लिए। उसके बाद आप जो है वो सॉलिड फूड के ऊपर जा सकते हैं। सॉलिड फूड में अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ अगर आपको है या हाइपरटेंशन की आपको बीमारी है तो खाने में नमक बिल्कुल कम रखें, अपना तेल का जो है वो परहेज कम से कम, चिकनाई का परहेज कम से कम करें। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो डेफिनेटली नॉनवेज भी कंज्यूम कर सकते हैं, जो वेजिटेरियन है वो लोग पनीर का जो है वो थोड़ा सा 100 ग्राम करीब 50 से 100 ग्राम पनीर का जो है वो सेवन कर सकते हैं, तो आप एक अच्छी अपने लिए डाइट बना सकते हैं। ये जो सर्दी का सीज़न है इसमें जितना से ज़्यादा गाजर का हलवा खाने की जगह जो आप कच्ची गाजर खाइए, आप जो है वो खीरे खाइए, आपको इतने सारे जो है वो वैरायटी ऑफ सैलेड्स मिल जाएंगे इस टाइम पे, ब्रोकली आपको मिल जाएगी, शिमला मिर्च आपको मिल जाएगी, जितना आप ये सैलेड्स खाएं, जितना आप कच्चे वेजिटेबल्स खाएं उतना आपके लिए बेनिफिट देगा। आप दालों को जो है स्प्राउट बना के आप स्प्राउट बनाइए, आप जो है वो छोले को उबाल के या काले चने को उबाल के जो है उसको मसाला डाल के आप जो है उसको थोड़ा सा मिक्स बना के मिक्सर खाइए, जिसको जो है एक चना जोर गरम टाइप का कह देते हैं। तो इस टाइप की वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और आपके लिए अवेलेबल है। सुनील लोग जो है वो जैसे काले चने होते हैं उनको उबाल के उसका पानी निकाल लेते हैं, वो एज अ सूप आप यूज़ कर सकते हैं, और जो काले चने हैं उन जो उबले हुए काले चने उनको जो है मैश करके उसकी पैटीज बना लेते हैं आप,
तो उसको पैटीज बना के आप जो है सुबह नाश्ते में जो है एक पैटीज के तौर पे खा सकते हैं। तो ये बहुत सारे वेरिएशंस आप कर सकते हैं, और आजकल ऑनलाइन के ज़माने में मेरे को नहीं लगता कि किसी के लिए भी जो है एक अच्छी रेसिपी यूट्यूब से ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इन रेसिपीज़ को देख के यू शुड इन्जॉय द विंटर सीजन। आपको सर्दी का मौसम खूब इन्जॉय करना चाहिए, खूब अच्छे अच्छे खाने खाने चाहिए, मगर केयरफुल रह के। अगर आप जो है वो ज़्यादा छोले भटूरे पे और आप ज़्यादा जो है गाजर का हलवा पे जोर डालेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई और लोगों को समझाया है किस तरह से अपना डाइट चार्ट रखना है। एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शकों, जिस तरह से डॉक्टर गौतम ने बताया, आपको समझाया, हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसा ही करें और आप लोगों के विंटर के साथ साथ एक्सरसाइज आप हर मौसम में करें, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखा आपने, डॉक्टर गौतम आए और उन्होंने बताया और समझाया आपको। हम लोग भी चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिला होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ जैसा हम लोगों ने बताया आप लोगों को, आप ऐसा कीजिए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाती है। और फ़िलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।